बाबूशाही देख रहे सारे का स्वागत है। पंजाब दियां चोणां जिहड़ियां ने आने वालियां ने ते लगातार हर एक पोलीटिकल पार्टी वालों कैंडीडेट्स ने जिहड़े उह फील्ड किए जा रहे ने अलग अलग हल्कियां दे विच। ते इस वेले अमृतसर ईस्ट की जिहड़ी सीट है उह बहुत हॉट सीटां विचों मन्नी जा रही हैगी है। ते कल भारतीय जनता पार्टी वालों जिहड़ी लिस्ट जारी की गई सी, दो लिस्टां जारी हुई अमृतसर ईस्ट तो डॉक्टर जगमोहन सिंह राजू नू अनाउंस कर दिता गया। डॉक्टर जगमोहन सिंह राजू साढ़े नाल मौजूद ने, गलबात करांगे। किवें लगता है जी जिहड़ा तुहानूं इह सीट मिली है, जिहड़ी हॉटेस्ट सीट कही जा रही है लोगों वालों, तैयारी किवें है तुहाडी जी? त्यार पहला तो है कि जी इह सीट मिलना मेरे लिए बहुत वड्डी खुशनसीबी है। अमृतसर की सेवा मिलनी, रामदास जी गुरु रामदास जी के हुक्म अनुसार गुरु की नगरी की सेवा मिलनी, इस तो वड्डा लक जो मेरा है, किस्मत है, इस तो अच्छी नहीं हो सकती सी। बाकी वारी वारी कह के जी वो दिग्गज ने, वो हार्ट ने, मैनू तो कोई फर्क पैंदा नहीं जी, कोई मैनू कुछ लगता नहीं कि ये कोई बहुत वड्डा इशू है कि कोई, क्योंकि सानू बहुत जरूरी है कि असी हर वो चीज़ और मुद्दा उठाइए जिहड़ा ना केवल अमृतसर लई रेलेवेंट होए, बल्कि क्योंकि तुसी खुद ही कह रहे हो कि बहुत हॉट सीट है, सारे पंजाब दी भी नहीं सारी कंट्री दे उते फोकस है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो चीज़ां उत्थे डिस्कस होणगियां वो पंजाब दे मुद्दे बनणगियां जी। तुसी जिवें जिक्र कीता कि दिग्गज ने तुहानूं फर्क नहीं पैंदा, पर लोग इसे तरीके नाल ही लै रहे ने अमृतसर ईस्ट दी सीट नूं कि नवजोत सिद्धू या बिक्रम मजीठिया। सो इस दरम्यान थोड़ी है जिहड़ी एंट्री हुंदी है, तुहानूं अनाउंस कर दिता जांदा है, तुहाडे बारे असीं पढ़ रहे सीगे, तुसीं जिहड़ी है आप रिटायरमेंट लै के आए हो, तुसीं तुहाडा मंच सी भी पंजाब दी सेवा करनी है तुसीं, ते लगता नहीं कि सियासत तुसीं आउणा सी, तुहाडा फैसला अपना सी, पर जिहड़ा ये सीट तों कॉन्टेस्ट करवा रहे ने फसा तां नहीं दित्ता जी पार्टी ने? बट ये तुसीं क्यों सोचदे हां कि वी जी बीजेपी ने सारा पहला लभिया एक बंदा, फिर तमिलनाडु गए, वो तो यू नो जॉब छुड़वाई और फिर उन्हों एक सीट देती और फसाण ली, मेरी कोई दुश्मनी है उन्होंने नाल। ऑन द अदर हैंड इदा सोचो कि बीजेपी सरकार जी मोदी साहब जिन्हों लीड कर रहे ने अज दे दुनिया के सब तो समझदार एक प्राइम मिनिस्टर मने जाते हैं, ये तो तुम मानते हो भाई, उन्होंने पार्टी ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਗਜ ਨੇ, ਤੋ ਦੇ ਵਿਲ ਫੀਲ ਦੇਅਰ ਬੈਸਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਿ ਐਵੇਂ ਲੱਲੂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦੇਣਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਡੋਂਟ ਅਗੇਨ ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਸੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਦਿੱਗਜ ਨੇ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈਜ਼ ਗੋਟ ਦੇਅਰ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਡਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਫੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਆਈ ਵਿਲ ਡੂ ਮਾਈ ਡਿਊਟੀ। ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਬਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਬੋਰਨ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ, ਫਿਰ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਲਓ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਬੱਸੀ ਗੁਲਾਮ ਹੁਸੈਨ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਨਹਿਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਲੇਬਰਰ ਸੀਗੇ, ਗਰੀਬ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਗੋਧੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸਰਦਾਰ ਸਰਗੋਧੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀਗੀ ਮਿਲੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, ਉਹ ਜਗਰਾਉਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ, ਜਗਰਾਉਂ ਤਹਿਸੀਲ 'ਚ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤਹਿਸੀਲ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਜਨਮ ਮੇਰਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹੋਇਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੈ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੈਪੀਟਲ ਸਿਟੀ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਸੀਗੇ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀਗੇ, ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਮੰਚ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਦਲਾਅ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਔਫਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵਰਲਡ ਓਵਰ ਅਸੀਂ ਕਮਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਕ ਸੀਗਾ
कि बीजेपी ने सानू एक ऑफर दी कि ठीक है जी तुसी सेवा ही करने चाहते हो तुहानू असीं पोलिटिकल ऑपरचुनिटी देने सो मैं काफ़ी थैंकफुल हाँ कि यह जी ऑपरचुनिटी बीजेपी ने मैनूं दित्ती। एजुकेशन सैक्टर दे विच थोड़ा वड्डा तुसी रोल प्ले कीता, थोड़ा योगदान भी रहा है। सो हुण जे तुहानूं मौका मिलता बीजेपी सरकार बनाउण दा, बीजेपी नूं मौका मिलता तां एजुकेशन लई की कुछ जिहड़े करन दा थोड़ा ड्रीम रहेगा जी? देखो जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक तरह दी पैरामीटर्स बनाए हुए ने कि हर एजुकेशन सिस्टम नूं क्वालिटी नूं मेजर करन लई और अगे इंप्रूव किदां हो सकती है। नेशनल पॉलिसी तुहानूं पता है एजुकेशन दी उन्होंने बनाई है, हुण तां हुनर जिहड़ा है ना वो है कि NPE नूं यूज़ करते हुए किदां इंप्लीमेंट बेस्ट की जा सकती है और जे आपां कर सकते हैं तो बिल्कुल पंजाब की एजुकेशन रिवाइव होएगी जी। जी एक आखिरी सवाल जी, दसो जिहड़ा हुण तुहाडे अगेंस्ट जिहड़े ओपोनेंट्स ने नवजोत सिद्धू हुण वह लगातार ये क्लेम करते हैं कि अमृतसर के जिहड़े लोग ने वो शुरू तो उन्होंने प्यार देंदे आ रहे हैं, तो उन्होंने अलावा होर जदों भी कितने इलैक्शन लड़े ने हमेशा जितते हैं, बिक्रम मजीठिया खुद को माझे का जरनैल मानते हैं, तुसी हुण किहड़े मुद्दों के उपर जिहड़ी कंपेनिंग करोगे, तुसी लोगों तो वोटा मंगोगे तो किस तरीके दे नाल जिहड़ा हैगा वो गलबात करोगे? नहीं असीं जा रहे हैं उत्थे दिख जाएगा कितना प्यार करते हैं जी, पर जो क्लेम कर रहे ने थोड़े ओपोनेंट्स लगदा फर्क पैण वाला नहीं? देखो फिर तो वो तो फिर गल हो जाएगी ना, वो कहणगे जी सानू बहुत प्यार करते, मैं भी कहांगा जी सानू भी बहुत प्यार करते ने, वो तो फिर गल्लां हो गईआं ना। असीं जावांगे देखते हैं कि वो कितना प्यार करते ने और देखते हैं कि सानू भी वो प्यार मिलता है कि नहीं मिलता, 20 तरीक नूं पता चले। जे थोड़े बारे कुछ इस तरीके का उन्होंने कह दिता कि तो बाहरों आए ने जी हुण आ गए एंट्री पैराशूट एंट्री मारी है, असी तो शुरू तो अमृतसर जिले नाल जुड़े हुए हैं। किदों तो उत्थे जम्मे सीगे यूं कह सकते ने? दसो ना सिद्धू साहब उत्थे जन्मे सीगे? पर वो कहंदे ने कि मैं तो पटियाला तो नहीं लड़दा, मैं तो अमृतसर के लोगों को वचन दिता है, मैं तो अखीर तक उत्थों ही लड़ना। मैं भी तो यही कहना कि मैं वचन दिता है कि 15 साल क्योंकि 75 साल तक मैं सेवा करनी है, अमृतसर ही करनी है सेवा। भी जिन्हों ये मौका मिल जाए कि अमृतसर की सेवा और रामदास जी की गुरु रामदास जी की नगरी की सेवा, पक्की गल है जी 15 साल मैं तो उत्ते दी ही सेवा लेनी है जी। आखिरी सवाल जी जगमोहन जी, जड़ा अलायंस होया बीजेपी का पंजाब लोग कांग्रेस के नाल ते श्रोमणी अकाली दल संयुक्त दे नाल, सो ये जड़ा दोवें पार्टीज़ दे नाल आउण दे नाल किन्ना कु फर्क पएगा? मेरे हिसाब नाल जो असीं सुन रहे हैं कि बहुत अच्छा फीडबैक है लोगों नूं, ये एक्सेप्टेंस है कि भई ये एक नैशनलिस्ट अलायंस है और पंजाब की बेहतरी के लिए अलायंस बनाया गया है। मैनूं लगता है कि इन्हें पूरा चांस मिलेगा जी। शुक्रिया जी। सो ये डॉक्टर जगमोहन सिंह राजू जिहड़े अमृतसर ईस्ट तो बीजेपी वालों जिन्हों का नाम है जिहड़ा अनाउंस कर किया गया सीगा, ते बिक्रम मजीठिया श्रोमणी अकाली दल वालों कॉन्टेस्ट कर रहे ने, नवजोत सिद्धू कांग्रेस वालों कॉन्टेस्ट कर रहे ने। सो इस हॉट सीट पर डॉक्टर जगमोहन सिंह राजू जिहड़े ने बीजेपी वालों हुण चोण मैदान च उतरे ने, देखने वाली गल होगी कि हुण लोग किस तरीके का जिहड़ा रिस्पोंस हैगा वह इन सारे लीडर्स नूं देणगे। चंडीगढ़ तो कैमरामैन आकाशदीप दे नाल हर्षबाब सिंह सिद्धू, बाबू शाही टाइम्स।